स्पेशलाइजेशन इज जोलॉजी स्पेशलाइजेशन तो आप समझते होंगे क्या मतलब है जैसे स्पेशल डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं वो कहते हैं जी ये स्टोमिक का स्पेशलिस्ट है ये ब्रेन का स्पेशलिस्ट है ये हार्ट का स्पेशलिस्ट है इस जोलॉजी भी वेरी ब्रॉड फील्ड है ये पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा मतलब सब फील्ड को जो इक्वली जो वो उसको आ, उस पर अबूर हासिल कर ले तो फिर अल्टीमेटली जो है वो डिफरेंट एरियाज ऑफ रिसर्च के अंदर जो है वो स्पेशलाइजेशन हैं और लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे उसको जो वो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ हम चाहते हैं कि जो मेन स्पेशलाइजेशन है मेन एरियाज़ हैं रिसर्च के जोलॉजी में वो हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर वन पे हमारे पास एनाटमी है फिजियोलॉजी है हिस्टोलॉजी है सेल बायोलॉजी है मलेक्यूलर uh, बायोलॉजी है जेनेटिक्स है एम्ब्रियोलॉजी पैरासाइटोलॉजी इथोलॉजी इकोलॉजी पेरेन्टोलॉजी एंड द सिस्टमेटिक्स शॉर्ट करने के बावजूद भी हमारे पास ट्वेल्व हैं जो मेजर स्पेशलाइजेशन है इसकी अच्छा अनैटमी क्या एनेटमी का मतलब यह है लिविंग कि लिविंग थिंग के जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको थारोली स्टडी करना कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टडी करना मसल अगर कर लिवर है तो लिवर किस तरह का है इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज हैं किस तरह से इसकी क्या वेन्स हैं लिवर के अंदर किस तरह से फंक्शन जो है वो डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं ये लिवर की एनेटमी है जिससे हार्ट के अंदर कार्डियक टिश्यूज हैं तो कार्डिक मसल्स जो हैं जब हम कहेंगे हार्ट है इसके अंदर कार्डिक टिश्यूज हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्ट्रक्चर मौजूद हैं तो ये हार्ट एनाटमी कहलाएगी फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी का मतलब है जी काम कैसे करना है ठीक है हमारे जैसे हार्ट जो है वो कैसे पंपिंग कर रहा है ब्लड कैसे पंप कर रहा है ये हार्ट फिजियोलॉजी है हमारी बोन्स हमें हाँ जो है वो एक प्रॉपर जो है वो वॉकिंग में और हमारे खड़े होने में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं तो ये बेसिकली बोन्स कैसे वर्क कर रहे हैं ये बोन्स की फिजियोलॉजी होगी स्केल्टन की फिजियोलॉजी इसको कहेंगे इसी तरह से हमारा स्टोमिक जो है वो फूड डाइजेस्ट करता है खाना हजम करता है तो ये स्टोमिक की फिजियोलॉजी यानी जो चीज जैसे काम करती है उसकी फिजियोलॉजी कहलाती है हिस्टोलॉजी जो है ये थोड़ा सा यानी अगर हम इसको देखें तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हैं जो किसी भी ऑर्गन के टिश्यूज हैं उनको डिटेल में जब स्टडी किया जाता है कि फर्ज करें हमारे पास जो है वो इंटरनल बॉडी ऑर्गन के अंदर मेजर स्मूथ टिश्यूज हैं तो टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा टिश्यूज किस तरह के हैं ये सारा कुछ हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं इसलिए अगर फर्ज करें कोई ऑर्गन डैमेज होता है तो फिर उसका टिश्यू लेकर उसको जो है माइक्रोस्कोपी की जाती है तो हम कहते हैं कि हम इस ऑर्गन की हिस्टोलॉजी का रहे हैं देखें कि इसका डैमेज जो है वो किस लेवल का है सेल बायोलॉजी सेल बायोलॉजी बहुत एडवांस फील्ड भी है स्पेशली चूंकि ये टोटली डील करता है सेल को सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल और इसके अंदर पाए जाने वाले तमाम जितने भी ऑर्गन न्यूक्लियस है सेल मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म है और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइलिज हैं अदर ऑर्गेलीज हैं उन सब के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं उनका स्ट्रक्चर फंक्शन सब कुछ सेल बायोलॉजी के अंदर आ जाता है मेलेक्युलर बायोलॉजी मेलेक्लर बायोलॉजी सेल बायोलॉजी से फर्दर अगला स्टेप है कि फर्ज करें हमने न्यूक्लियस स्टडी कर लिया है अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है तो डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन है स्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा ये सारा कुछ हम मेलेक्युलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं तो मेलेक्युलर बायोलॉजी में बेसिकली हम जो बायो मालिक्यूल हैं उनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं उनको जो है जो वो एनालाइज करते हैं जेनेटिक्स जेनेटिक्स बेसिकली इनहेरिटेंस को डिस्कस करती है आप ऑलरेडी अवेयर हैं इस चीज से कि जेनेटिक्स के अंदर हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं कि फादर से किस तरह सन सन सागे ग्रैंड सन में किस तरह ट्रेड्स हैं वो कम हमारे बहुत सारे ट्रेड्स अपने पेरेंट्स से मिलते है, जुलते हैं तो इसका मतलब है कि हमने कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस किया बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं मिलती हैं जो चीजें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिल रही थी उनको हम वेरिएशन का नाम देते हैं तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों ही बेसिकली जेनेटिक्स के अंदर स्टडी की जाती है एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी को डेवेलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं यानी इसमें जब एक एम्ब्रियो से लेकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने तक एम्ब्रियो यानी जब भी तमाम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल स्पेशली वो सेक्सुअल रिपोर्डक्शन के थ्रू पैदा होते हैं ज्यादातर तो उसमें जब एग उस वर्म की फर्टिलाइजेशन होती है तो उसे जाइगोड बनता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम इवन ह्यूमन हम हैं या बाकी एनिमल्स हैं वो एक जाइगोड से आगे जा वो कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है एनिमल पूरा बनेगा तो जायगोर्ड से कम्प्लीट एनिमल बनने तक जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी किए जाएंगे पैरासाइटोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि पैरासाइट किस तरह से हमें इफेक्ट करते हैं कौन कौन सी डिजीजें फैलाते हैं मोड ऑफ एक्शन क्या है उनका इथालोजी रेलिवेंट टू बिहेवियर अगर हम देखें अगर हम सिंपली किसी डॉग के पास से गुजर तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसके बिहेवियर क्या है ये किस तरह से हमें डैमेज कर सकता है कैट का हमें बिहेवियर का पता है बर्ड्स के बिहेवियर का पता है तो डिफरेंट एनिमल्स के बिहेवियर को जो स्टडी करना है वो इथोलॉजी कहलाता है इकोलॉजी इकोलॉजी को अगर हम देखें ये है एनिमल्स का एन्वायरमेंटल के साथ इंट्रेक्शन किस तरह से करते हैं ये है हम इकोलॉजी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं पेल जो एनिशेंट लाइफ वो ऑर्गेनिज्म जो अभी सर्वाइव नहीं करते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है ठीक है सदियां पहले जो है वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो जो है वो अर्थ से जो है वो खत्म हो चुके हैं तो उनकी बाकियात जो फॉसिल जिनको हम कहते हैं उनको स्टडी करने का नाम पेल है सिस्टमैटिक सिस्टमेटिक बड़ी एडवांस ब्रांच कंसिडर की जाती है क्योंकि जितनी भी रिसर्च है उसका अल्टीमेट जो है वो सिस्टमैटिक्स है आपने सिस्टमैटिक अप्लाई करना उसकी जितने भी एनिमल्स हैं जब भी आप उनको स्टडी करेंगे आपने उनकी क्लासिफिकेशन करनी है उनका नोम करना है तो क्लासिफिकेशन और नोमिक्लचर दोनों चीज़ें बेसिकली सिस्टमैटिक्स के अंदर आ जाती हैं और इसके अंदर जो है वो एक और ये बड़ी एडवांस फील्ड है हमें कंसिडर करते हैं चूंकि जितनी भी मॉडर्न रिसर्च है वो सिस्टमेटिक्स पर बेस करती है